प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को गोरखनाथ हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, सुशील सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रक्त दान किया। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल ने कहा। सर सर आगे मत जाइए महाराज जी, चले हो गया महाराज जी, एक मिनट थोड़ा सा बोलो। चप्पल ये है और भी चप्पल सबको मिल गए हैं, कुछ लोगों का थोड़ा वहां से एक थोड़ा फटका भी पीछे आएगा ना, वो मुझे भी एक सभी तो आएगा पति भाई महाराज जी करीब अब वहां से भी गाड़ी कर लेंगे। हेलो सिक्योरिटी वालों से पूछा इसका कार्यक्रम है मोदी जी में बाहर गेट पे और भी आगे सभी वजह से मोदी सरोज आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारी पहले तो उनको बहुत बारी शुभकामनाएं जन्मदिन पर, और इस अवसर पर नाना प्रकार के कार्यक्रम एक सप्ताह चलाए जा रहे हैं जिसको सर्विस डे बोल सर्विस वीक बोला जा रहा है। तो इसके अंतर्गत भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो, और यह रक्तदान शिविर आज गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक में आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग रक्तदान के लिए उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है और गोरखनाथ चिकित्सालय के भी बैनर पर कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से यहाँ पर तांता लगा है डोनर्स का, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु की सब कामना कर रहे हैं, हम सब इसको बड़े ही सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमको आशीर्वाद अभी आज प्राप्त हुआ है। सर रक्तदान से कितना लाभ है? 2000 मरीजों को रक्तदान से बहुत लाभ है। अभी भ्रांतियां बहुत रही हैं हमारे देश में कि रक्तदान से बहुत सारे हानियां या नुकसान होते हैं, जैसे कोई कहता है कि कमज़ोरी आ जाती है, कोई कहता है कि एक बार शक्ति छीड़ हो जाती है तो मिलता है। ये सारी भ्रांतियाँ हम लोग ने पिछले 15-16 वर्षों में गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के द्वारा किया है, और नुकसान की तो बात अलग है, लाभ बहुत होते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, मोटापा, ये सब की कमी आती है। देखा गया है कि रक्तदान करने वाले जो नियमित करते हैं, इन रोगों का चलन उनमें बहुत कम हो जाता है। अतः रक्तदान करें, अपना स्वास्थ्य तो ठीक ही होगा, जो लोग हैं जिनको रक्त की कमी से जूझ रहे हैं उनको भी सहायता मिलेगी। एक आंकड़ा बता देता हूं कि इस पूरे देश में लगभग 1,50,00,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे देश में केवल
80 से 85 लाख ही रक्तपूर्ति होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए भी स्व रक्तदाताओं को आगे आना पड़ेगा और उन्हें करना पड़ेगा। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर है, 65 वर्ष के नीचे है और 45 किलोग्राम उसका वजन है, वो आराम से आकर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से कोई भयभीत मत होने की आवश्यकता है। आइए रक्तदान करिए और जीवन और लोगों के प्राणों की रक्षा करिए। यशस्वी प्रधानमंत्री सदन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया कि श्रद्धे मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम 14 से लेकर 20 तक एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। इस निमित्त विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए गए, हम सभी ने स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं। हम सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूलों में, विद्यालयों में जाकर के और बच्चों को प्लास्टिक पे रोक लगाने के लिए उनसे ये अपील करने के लिए कि आप प्लास्टिक का प्रयोग न करें, जल संचय के लिए यानी जल ही जीवन है इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और जल पे हमारा नियंत्रण रहे, हम उसका दुरुपयोग न करें, इस निमित्त हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं। फिर दिव्यांगों के लिए आगे चल करके दिव्यांग को गोद लेने का भी हमारा कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत आज श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आज 17 सितंबर को जन्मदिन है। देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है और इस कार्यक्रम के तहत रचनात्मक कार्य आज हमने भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन का काम किया है गोरखनाथ चिकित्सालय में, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह और गोरखपुर के माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय रमापति शास्त्री जी विशेष तौर पर मौजूद थे और हम कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे रक्तदान देकर के, रक्तदान महादान है और जीवन किसी का बच सके ये हम सभी के लिए जीवन के सफलता का मंत्र है। निश्चित तौर पे आज सभी हम प्रफुल्लित हैं कि हमारा रक्त यदि किसी के काम आ जाए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, निश्चित तौर पे जीवन हमारा धन्य है। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता, जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। परमपिता परमेश्वर उनको दीर्घायु करे और उनके अंदर वह शक्ति प्रदान करे कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। इस भावना और इस कामना के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार देश भर में अनेकों प्रकार का कार्यक्रम उनके जन्मदिन के अवसर पर कर रहा है। 14 से 20 सितंबर के बीच सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्थान स्थान पर, सार्वजनिक जगहों पर, हॉस्पिटलों में, मंदिरों में, अनेक प्रमुख स्थलों की स्वच्छता का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। साथ ही गरीबों की सेवा का, कुष्ठ रोगियों के बीच उनकी व्यवस्था, फल वितरण, वस्त्र वितरण, साथ ही दीनहीन अन्य प्रकार के लोगों, और आज उसी क्रम में गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी ने किया। निश्चित तौर पर यह रक्तदान उन गरीब रोगियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और उनका जीवन बचाने में सहायक होगा। एक बार पुनः अपने तरफ से, अपने संपूर्ण पार्टी परिवार के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं एवं शुभकामना देता हूं।